सोलन की एनएसयूआई की सोलन इकाई द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में फल वितरित किए। ये आयोजन एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष तुषार स्नातन की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। तुषार स्नातन ने इस मौके पर कहा कि आज एनएसयूआई का स्थापना दिवस सोलन में धूमधाम से मनाया गया है। कार्यकर्ताओं को एनएसयूआई के इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर रोगियों का कुशल क्षेम जाना, वहीं अस्पताल में भर्ती रोगी जल्द स्वस्थ हों ये कामना करते हुए उन्हें फल भी वितरित किए गए। अधिक जानकारी देते हुए तुषार स्नातन ने बताया कि आज एनएसयूआई स्थापना दिवस मना रहा है। उन्होंने कहा कि सामाजिक दायित्व को पूरा करते हुए आज सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में फल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि 1971 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा एनएसयूआई संगठन की स्थापना छात्र हितों की रक्षा करने के लिए की गई थी। तब से लेकर आज तक एनएसयूआई सक्रिय रूप से विद्यार्थियों के हितों की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि नगर निगम के चुनावों में भी एनएसयूआई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रत्येक वार्ड में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने दिन रात कार्य किया। यही वजह है कि सोलन नगर निगम पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। मेरा नाम तुषार स्तन, जिला अध्यक्ष एनएसयूआई सोलन। सबसे पहले तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के 51वें स्थापना दिवस पे सभी एनएसयूआई की फैमिली को बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएँ। 9 अप्रैल 1971 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रयासों द्वारा एनएसयूआई की स्थापना की गई थी। तब से लेकर आज तक एनएसयूआई जो है छात्र हितों के लिए लड़ती आई है और आगे भी जोर शोरों से संघर्ष करती आएगी और छात्र हितों की आवाज़ उठाती आएगी। और जहां तक बात रही नगर निगम के चुनाव की, सबसे पहले तो मैं सोलन के हर एक मतदाताओं का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से सोलन में नगर निगम बनाने में सहायता की। और जहां तक रही एनएसयूआई की भागीदारी की बात, एनएसयूआई ने इस चुनाव में अपनी पूरी भागीदारी हर वार्ड में निभाई है। दिन रात जो है मेहनत करके हर वार्ड में एनएसयूआई ने हर प्रत्याशी के लिए काम किया है। हर इंचार्ज और एनएसयूआई की तरफ से हर वार्ड में इंचार्ज भी लगाए गए थे। सभी इंचार्जों को बधाई और शुभकामनाएं।